तो अब हम जाकर डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर चैप्टर वन इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और जो आप जानते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोल्स, एवोगाड्रोस नंबर, स्टोइकोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इस तरह के टॉपिक्स उसके अंदर होते हैं। तो उसके कुछ बेसिक एमसीक्यूज हैं, एक वार्म अप क्लास के तौर पर इसको मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। और मेजॉरिटी के आंसर्स आपको पता होंगे, जो नहीं पता होंगे वो मैं उसको बता दूंगा। तो जैसे एक प्रैक्टिस क्लास है लेकिन चैप्टर वन से रिलेटेड है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, तो ई कैट एम डी कैट दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। तो फर्स्ट एमसीक्यू से आज स्टार्ट लेते हैं। तो वन एटमॉस्फेयर या वन एटीएम इज इक्वल टू हाउ मच? 101.325 किलो पास्कल। देखो 1 ATM की सारी कन्वर्जेंस याद रख लें कि 1 ATM 101.325 पास्कल के बराबर होता है, या 1 ATM 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, या 1 ATM 101.325 किलो पास्कल के बराबर होता है, या 1 ATM 760 टोर के बराबर होता है, या 1 ATM 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है, या 1 ATM 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है, या 1 ATM 14.7 PSI के बराबर होता है, या 1 ATM 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच के बराबर होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर है फ्रॉम ATM टू डिफरेंट यूनिट्स। तो यहाँ पर इसका आंसर ए ऑप्शन है, 101.325 किलो पास्कल। पास्कल होता तो 101.325 हो जाता, ठीक है। तो ये वैसे चैप्टर टू से रिलेट करता है। अच्छा, इसमें से कुछ ये तीनों तो एक ही बात, ये दोनों एक ही बात है, अलग अलग तरह से यूनिट्स को डिनोट किया जा रहा है। पाउंड पर इंच स्क्वायर, दैट इज पाउंड PSI, मतलब पाउंड स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट? यस, डायमंड के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, ठीक है। और वो कौन सा एलिमेंट होगा? कार्बन होगा। मार्बल का फॉर्मूला क्या होगा? CaSeO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, सैंड का फॉर्मूला क्या होगा? SiO2 सिलिका। बाकी ग्लास भी एक कंपाउंड होता है, सिलिकेट होता है ये, मतलब इसमें कोई ना कोई SiO3 लगा होता है -2। अब वो डिफरेंट तरह के सिलिकेट्स हो सकते हैं, आर्टिफिशियल सिलिकेट्स ग्लास। तो इसमें से डायमंड जो है वो एक जस्ट एक कार्बन है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर है, कोई भी इसका जवाब दे सकता है। बहुत आसान MCQs मैंने निकाले हैं, तो मुश्किल नहीं है। गिवन द नंबर्स, .161 cm, .161 cm, .0161 cm, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द थ्री नंबर रेस्पेक्टिवली बताने हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसमें कितने हैं? 3 ही हैं, क्योंकि स्टार्टिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। इसमें कितने हैं? बिकॉज स्टार्टिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट, सो जस्ट 3 3 3। बी ऑप्शन करेक्ट, इजी। तो स्टार्टिंग जीरो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स अब हम देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा। जिसको पता है वो डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक। ये एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में बताया नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। वही सेम चीज़ है, स्टार्टिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट, दैट्स वाई देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस नंबर। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिकॉज स्टार्टिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजिन कैन बी प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन? मतलब इसमें से कौन सा ऐसा हैलोजिन है जिसकी सब्लिमेशन होती है? यस, आयोडीन है। आप सब जानते हैं कि आयोडीन एक सबलाइम सॉलिड है। आयोडीन सॉलिड स्टेट में होता है तो उसका कलर क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ आयोडीन? यस, ब्लैक कलर का होता है, डार्क ग्रे होता है वैसे ब्लैक। और वेपर्स किस कलर के निकलते हैं इससे? यस, वॉलेट वेपर्स की सूरत में ही हमारे पास सबलाइम हो जाता है। तो सबलाइम सॉलिड है, ब्लैक सॉलिड होता है,
लेकिन वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है वॉलेट वेपर्स की सूरत में, इसलिए हम कहते हैं कि आयोडीन एक सबलाइम सॉलिड है। और क्या वजह है आयोडीन के एक सबलाइम सॉलिड होने की? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वेल डन। कौन सी वो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं आयोडीन के अंदर, क्या नाम होगा? वैंडरवाल फोर्सेस तो सारी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस, जिसकी वजह से इसके अंदर सब्लिमेशन का प्रोसेस अकर होता है। डिस्पर्जन फोर्स क्यों होती है आयोडीन के अंदर? डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स क्यों होती है आयोडीन के अंदर? बिकॉज ऑफ द नॉन पोलर नेचर ऑफ आयोडीन। क्योंकि नॉन पोलर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर डिस्पर्जन फोर्स पाई जाती है, तो आयोडीन नॉन पोलर होता है। और आयोडीन नॉन पोलर क्यों है? होमो डायटोमिक है, ठीक है, दैट्स व्हाई। तो ये ऐसी मतलब टॉपिक से टॉपिक निकलता रहेगा, बात करते रहेंगे। द कंपाउंड विच इज एडेड टू टेबल सॉल्ट फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर हेल्थ, सोडियम आयोडाइड एड करेंगे, आयोडीन मिला नमक जिसको हम कहते हैं गोइटर को, यस बिल्कुल, थायराइड का मसला नहीं होता गोइटर, वो थायराइड की इन्लार्जमेंट होती है तो गोइटर उसको हम कहते हैं ना, आयोडीन की कमी की वजह से होता है। बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने। इन नोन एलिमेंट द मैक्सिमम नंबर इज ऑफ व्हाट? सबसे ज्यादा मेटल है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि आप ऐसे देख लो 1A 2A में तो मेटल सारे ही हैं, और ट्रांजिशन मेटल DEF सारे मेटल हैं, और पी ब्लॉक में भी कुछ मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, पुअर मेटल्स, याद है ना, एल्युमिनियम गैलियम इससे सारे, लेड हो गया, टिन हो गया, पुअर मेटल सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेटल्स हैं। मेटलॉइड्स कितने हैं टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर? यस, देयर आर 8 मेटलॉइड्स। देखो सिंपल है मेटलॉइड्स का कॉन्सेप्ट किस तरह से हम देखेंगे। बैंगन आलू गाजर इन थैली, केमिस्ट्री सर गिव संकी प्रॉब्लम, नसीम पास सब बिंदास, और सलमा सिले की तेरी पॉकेट, फिर कल बाहर आई आत्मा। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब पी ब्लॉक के अंदर बोरॉन से तिरछी लकीर मारो एस्टेटीन तक, और जर्मेनियम से तिरछी लकीर मारो पोलोनियम तक, है ना, 8 हो गई है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए मेटलॉइड्स। बाकी ये सारे पुअर मेटल्स हो गए, ये सारे नॉन मेटल्स हो गए, ऐसे ही होता है ना भाई। वो आगे पीछे करते हैं, गूगल जो है ना वो जस्ट एक, वो चूँकि देखो गूगल जो है ना वो कोई रिसर्च एरिया मतलब कोई जोन नहीं है, वो गूगल वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल आपको हकीकत नहीं दिखाता बल्कि वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे गूगल में आप पाकिस्तान का नक्शा सर्च करोगे ना गूगल मैप्स में, उसमें कश्मीर आपको पाकिस्तान के अंदर दिखाई देगा, दिखाएगा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, आप देखना कर जाके। और यही अगर आप प्रॉक्सी चेंज करके इंडियन प्रॉक्सी लगा के आप पाकिस्तान का नक्शा चेक करोगे तो वहाँ पर कश्मीर को इंडिया का हिस्सा दिखा देगा वो। दैट इज़ कॉल्ड पॉलिसी, दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग, ठीक है, मतलब वो ताकि दोनों के व्यूअर हाथ से ना जाएं। पाकिस्तानी भी बोले यार गूगल कितना अच्छा है कश्मीर को यहाँ दिखा रहा है, इंडिया इंडिया में कितना अच्छा गूगल है इंडिया में दिखा रहा है कश्मीर को। तो गूगल वो दिखाता है जो आप दिखना चाहते हैं। वर्ल्ड नंबर वन आर्मी आप लिखोगे पाकिस्तान लिखा पा रहा होगा उसमें, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आप पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग वही देखना चाहते हैं इसलिए वो उनको दिखा रहा होगा, है ना भाई। मोदी के बारे में लिखोगे तो कोई मोदी के बारे में गालियाँ लिखी भी आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, आप ऐसा क्यों हो गया, चूँकि लोग ज़्यादातर पाकिस्तान में यही देखना चाहते हैं। इंडिया में मोदी के बारे में वो सारी बातें नहीं आएंगी जो पाकिस्तान में दिखा रहे हैं आपको, बात समझ में आ रही है। गूगल हकीकत नहीं बताता आपको, वो बताता है जो आप देखना चाहते हैं, इसलिए उसके अंदर बड़ी वेरिएशन आती है टॉपिक्स के अंदर, बात समझ में आ गई। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने पढ़ना है मार्कोनी ऑफ रूल के बारे में, उसने मार्कोनी ऑफ रूल इन उर्दू लिखा और मेरी वीडियो सबसे टॉप पर गूगल ने दिखा दी, मान लो, तो मैं कोई ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रेफरेंस थोड़ी ना हूँ, क्या पता मैं भी गलती करता हूँ। वो तो लोग ज़्यादातर मेरी वीडियो को हिट कर रहे तो वो मेरी वीडियो ऊपर दिखा दे रहे हैं, सेम बिल्कुल ऐसा ही होता, समझ गया बात मेरी। तो गूगल समटाइम्स मसले करता है, काफ़ी टॉपिक पे करता है, अल्किन्स वाला जो मसला था, अल्काइन्स वाला जो मसला था उसमें भी कर रहा था, वो अल्काइन को ज़्यादा रिएक्टिव बता रहा था गूगल फर्स्ट ऑप्शन में, जबकि अल्किन होते ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है। तो 8 मेटलॉइड्स हम याद रखेंगे, 8 मेटलॉइड्स हैं, बाकी जो है नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, वो मेटल्स हैं, बस समझ में आ गई।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट. बहुत बेसिक, कौन सा एक एलिमेंट नहीं है? क्या ऑप्शन है? सी के डी, सिलिका. सिलिका एक कंपाउंड है, SiO2. ओजोन एक कंपाउंड नहीं है, ओजोन भी एक एलिमेंट है. O3 कंपाउंड बस उसी वक्त बनता है जब टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड. तो ये एक एलिमेंट ही है, वो अलग बात है, तीन एटम से मिलकर बना हुआ. ओजोन कंपाउंड नहीं कह सकते, ओजोन इज नॉट अ कंपाउंड, बिकॉज कंपाउंड होने के लिए दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होना ज़रूरी है. बस समझ में आ गई? तो जो डी ऑप्शन कह रहे हैं वो गलत है, सी सिलिका, SiO2, जिसको सैंड कहते हैं ना, ये हमारे पास एक कंपाउंड होता है SiO2. द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन दिस नंबर, जब भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन होगा तो जस्ट कोफिशिएंट में देखेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं. तो कोफिशिएंट में तीन है, तो देयर आर थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस नंबर. क्लियर है? सिंपल है, आसान है. द सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर 4. गलत, टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर. जो उन्होंने 4 बोला उन्होंने गलत कहा. फाइनल जीरोस में अगर डेसिमल से पहले के जीरोस हैं तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है, और डेसिमल के बाद वाले जीरोस सिग्निफिकेंट होते हैं. अगर ये 34.00 होता ना, अब 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होता, लेकिन इस वक्त ये दो जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट हैं, देयर आर जस्ट टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ठीक है, तो फाइनल जीरोस बिफोर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट, एंड आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट. ये सब रूल्स हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स के. समझ वाली बात? Which property of an element is always a whole number? कौन से property हमेशा एक whole number होगी element के लिए? Yes, what? Atomic number. कभी भी fraction में नहीं आती, हमेशा whole number में होगा atomic number. Atomic weight, equivalent weight, atomic volume, ये सब fractions में आ सकते हैं. The modern atomic weight scale is based on C12, carbon 12 से. यार तो पहले ही पता है यार, तुम लोगों की क्लास को लेते हो फिर तुम लोग तो लेक्चर लिए बिना सारे सॉल्व कर ले रहे हो, तो अच्छी बात है. बट फिर भी हर बच्चे नहीं कर पा रहे होते, कुछ स्टूडेंट्स कर लेते हैं, तो ये फिर वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे जो होते हैं वो कर लेते हैं. 1 mole ऑफ मिथेन कंटेन्स, सोच के बताओ, ABCD. गलत हो गया. 1 mole of any substance contains 6.02×10^23 particles. That is called Avogadro's number. सही है बच्चों? 1 mole मीथेन में इतने हाइड्रोजन के आइटम नहीं होंगे, बल्कि इतने मल्टीप्लाई बाय 4 इतने आइटम्स होंगे, क्योंकि एक मीथेन में के मॉलिक्यूल में 4 निकल रहे, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, Avogadro's नंबर को. 4 gram ऑफ हाइड्रोजन 1 mole में, ये सही हो सकता है बिल्कुल, ठीक है. 12 ग्राम ये है और 4 ग्राम ये है, ये सही हो सकते हैं. बाकी क्यों नहीं हो रहे वो देख लेते हैं. 1.81×10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, गलत, चूँकि Avogadro नंबर 1 mole में 6.02×10^23 मॉलिक्यूल्स होंगे उसके, ये गलत हो गया. ये 3 ग्राम ऑफ कार्बन नहीं, 12 ग्राम कार्बन होगा. यस, ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट है, कि 1 mole मीथेन में 4 ग्राम कार्बन होगा, 4 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 12 ग्राम कार्बन होगा. बस समझ में आ गई? Avogadro नंबर सिंपल डेफिनेशन थोड़ी देर के लिए याद रखें कि 1 mole ऑफ सब्सटेंस में, किसी भी सब्सटेंस के 1 mole में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो इतने होते हैं, दिस नंबर इज कॉल्ड Avogadro नंबर. पता है सबको, बस ये याद रखें. आगे शायद और आए तो ऐसे हम करेंगे प्रैक्टिस. थ्योरी कुछ नहीं है चैप्टर 1 में, सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही होते हैं. टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय द कंपाउंड, दिस इस कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं गिन के बता सकते हैं? देखें गिने, आप लोग गिने कितने आइटम्स दिख रहे हैं आपको, एक मॉलिक्यूल में कितने आइटम होंगे? ब्लू स्टोन है, ब्लू विट्रियोल है, 21. कितने हैं गिन रहे? 21 गिन रहे. गिनता हूं, मैं गिनता हूं, एक यहां पर, एक यहां पर, 4 यहां पर, 10 यहां पर, 5 यहां पर, 5, 20, 21. यस ठीक है, 21. समझ में आया सबको? 21 है, तो ये 5 इस पूरे SHO के साथ है.
तो ये भी 10 है, ये भी 10 ही है, ये 5 हो गया सॉरी। नेक्स्ट आ जाते हैं 7.5 ग्राम्स ऑफ अ गैस ऑक्युपाई 5.8 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी, द गैस इज व्हाट? हाँ भाई देखें, एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जब टेम्परेचर हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर हो 1 atm, दिस इज कॉल्ड एसटीपी। और एसटीपी पर आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 में पढ़ा होगा कि किसी भी गैस का एक मोल एसटीपी पर कितना को पाई करता है, 22.41 डेसिमीटर क्यूब। वेल डन। तो वॉल्यूम एट एसटीपी का फॉर्मूला हम क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.41 डेसिमीटर क्यूब, या लीटर से की बात है। और मास अगर गिवन किया जाए तो फिर तो मोल का फॉर्मूला खोल देंगे, मोल क्या होगा, मास अपॉन मॉलिकुलर मास इंटू 22.41 लीटर। मॉलिकुलर मास अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी, सही है ना भाई, अरेंज कर सकते हैं फॉर्मूले को जैसे चाहें। तो मास यहाँ पर कह रहे हैं 7.5 ग्राम, वॉल्यूम एट एसटीपी हमारे कह रहे हैं 5.8 लीटर, 22.41 कितना आ रहा है, 28.9, मतलब 29 समथिंग, 28.9 कह ले तो 29 कह ले। अब देखो NO का कितना आ रहा है हमारे पास है, 14 प्लस 16 कितना हुआ, ये 30 हुआ, ये हुआ 28 प्लस 16, ये तो बहुत आगे निकल गया, उसको छोड़ दो, बहुत आगे निकल गया, ये 28 हो गया, 12 एंड 16 और ये 44, इसको भी हटा दो, इसको सॉल्व करने से कितना आ रहा है, 28.9 राउंड ऑफ या फुल, सेवन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई फाइव और फाइव अपॉन एट मल्टीप्लाई बाई 22.41, 28.9 आ रहा है। तो यार ज़्यादा करीब सी से है वैसे ही, इससे थोड़ा सा दूर है, तो सी ऑप्शन कर लेते हैं, सी ओ, क्योंकि 0.9 का डिफरेंस आ रहा है या 1.1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, सी ओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए वॉल्यूम एट एसटीपी का, किसी भी गैस का एक मोल 22.41 डेसीमीटर को ऑक्यूपाई करता है, इसके लिहाज से हमने अरेंज कर लिया। हाँ बोले, हाँ अब इसमें ये जो अभी फिलहाल कर रहे हैं हम वार्म अप कर रहे हैं ना, अभी इस वक्त अभी आप यूज़ कर सकते हैं, अभी मैं ट्रिक्स की तरफ आपको बता देता हूँ, इसको देख लें, देखिए कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको अभी कैलकुलेशन के लिए मैंने बताई नहीं, चलें उसको हमें देख लेते हैं। देखो कैलकुलेशन के लिए ट्रिक्स के अंदर ना आप कुछ चीज़ें याद कर लें, 2 के मल्टीपल्स याद कर लें, 2 के वेरियस मल्टीपल याद कर लें, पहले चीज़ तो ये कर लें, जैसे 2 है आप 2 के मल्टीपल्स याद करें, 2 का डबल होता है 4, 4 का डबल होता है 8, 8 का डबल होता है 16, 16 टू ज़ा 32, 32 ज़ा 64, 64 टू ज़ा 128 टू ज़ा 256, 256 टू ज़ा 512, 512 टू ज़ा 1024, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 204, 2048 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4096, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8192, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16384, ठीक है, ये इसके 2 के मल्टीपल्स, इतने एटलीस्ट याद रखें, ये 2 के सारे मल्टीपल्स, ये 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, इसके हाफ में भी करो, 2 का हाफ किए 1, 1 का हाफ किए 0.5, 0.5 का हाफ किए 0.25 का हाफ किए, यहाँ तक याद करें, ये इसको एटलीस्ट इतना याद रखें कि हाफ और डबल बहुत कर रहे होते हैं एप्टीट्यूड के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ याद करें एवोगाड्रो नंबर के डिफरेंट वेरिएशंस, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इसका डबल कितना हो जाएगा, 1.204 इंटू 10 की पावर 24, इसका डबल कितना हो जाएगा, 2.408, अच्छा ये हो गया एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय, दिस इज NA, दिस इज 2 इंटू NA, ये ट्रिक्स जिसको बोलते हैं ना वो सब बता रहा हूँ, 3 इंटू NA ये हो जाएगा 1.608 इंटू 10 की पावर 24, अब 4 NA करना हो 4 इंटू NA कितना हो जाएगा, 2.408 इंटू 10 की पावर 24, मतलब इसका डबल कर देंगे, अच्छा 6
1.806, सॉरी, ठीक है। अच्छा, 6.02 का हाफ करेंगे क्या हो जाएगा, 3.01 इंटू 10 की पावर 23, या हाफ एन ए। तो अवोगाड्रो नंबर के मल्टीपल्स याद रखने हैं सबको, ठीक है, विदाउट एनी कैलकुलेटर। अगर नस्ट का टेस्ट आप देने वाले हैं या फिर अगर आप एमडी कैट देने वाले पीएमसी के लिए, इस चैप्टर के लिए सिर्फ बता रहा हूँ ट्रिक्स, हर चैप्टर के लिए ट्रिक्स अलग होते हैं, ये इस चैप्टर में काम आएंगे। अब 22.41 ये मोलर वॉल्यूम कहलाता है डेसीमीटर क्यूब में, इसका डबल कर दो तो 44.82, इसका हाफ कर दो तो 11.2 डेसीमीटर क्यूब, इसका भी हाफ कर दो तो 5.6 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज, ये हमारे पास क्या हो गए, इसके इसके डिफरेंट हाफ और डबल करने से आ गए। इसके बाद अगली चीज़ आपको यहाँ क्या याद करनी है कि डिफरेंट एटॉमिक मासेस एंड मॉलिकुलर मासेस। तो मॉलिकुलर मासेस, एटॉमिक मासेस, ये आपको याद रखने डिफरेंट, ठीक है। 1 से 20 तक आपको एटॉमिक मासेस याद करना है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम में कितना होता है, एटॉमिक मासेस कह रहा हूँ, 7, उसके बाद बेरिलियम का कितना होता है, 9, बोरोन का कितना होता है, 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का उसके बाद फ्लोरीन का, नियॉन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, अच्छा सिलिकॉन का, फॉस्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का, आर्गन का 40, कैल्शियम का, सॉरी कैल्शियम नहीं, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का, इतना तो याद रखो। एल्युमिनियम क्या कुछ गलत लिख दिया क्या, कैल्शियम 40, आर्गन भी 40 होता है। अगर दो चीज़ों के भाई, तीन चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास होता है आइसोटोप, एक होता है हमारे पास आइसोबार, और एक हमारे पास होता है आइसोटोन। आइसोटोप किसे कहते हैं, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मासेस, 1H1, 1H2, 1H3 आइसोटोप्स हैं ये। आइसोबार किसे कहते हैं, आइसो मतलब सेम, बार का मतलब मास, मास, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये आर्गन और कैल्शियम इसके बेस्ट एग्जाम्पल है, आर्गन और कैल्शियम 20, 40, 18, 40, क्या दिख रहा है, रिवर्स हो गया आइसोटोप का, अच्छा 18 और ये सही, ओके, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स। याद रखिए, पूछते हैं एप्टीट्यूड में, आइसोटोप अलग है, आइसोबार अलग है, ठीक है। तो आर्गन और कैल्शियम एक दूसरे के आइसोबार्स हैं, आइसोटोन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यस। अगर किसी के दो एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ जाएं, तो दैट इज कॉल्ड आइसोटोन। जैसे हीलियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ट्रिटियम में भी 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 1H3 एंड हीलियम 2-4, दीज टू आर आइसोटोन्स, बिकॉज ऊपर वाला माइनस नीचे वाला ऐसे निकालते हैं ना भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो दोनों में 2-2 आ रहे हैं, ये दोनों आइसोटोन है। बात समझ में आ गई, तो यहाँ पर परेशान नहीं हो, आर्गन कैल्शियम आइसोबार्स हैं। अच्छा जी, और क्या याद रखते हैं भाई, मास नंबर्स डायरेक्ट याद रखने हैं कंपाउंड्स के, कैलकुलेशन करने की नीड नहीं पड़नी चाहिए, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन आपको मास नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि वाटर का कितना होता है, 18 होता है, ठीक है, वाटर का 18 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है, CaCO3 100 होता है। NaCl का कितना होता है, 58.5। HCl का कितना होता है, 36.5। NaOH का कितना होता है, 40 होता है। KOH का कितना होता है, 56 होता है, ठीक है। ग्लूकोज का कितना होता है, 180 होता है। सक्रोज का कितना होता है,
342 होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद MgSO4.7H2O एप्सम सॉल्ट का कितना होता है, 246 होता है। पोटेश एलम K2SO4.Al2SO4 3.24H2 पूरा बैठना नहीं है करने के लिए इसको, ठीक, कितना होता है इसका, इसका होता है 948 AMU, ठीक है। अच्छा, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 44, CO का कितना होता है 28 होता है, बेंजीन का कितना होता है 78, मीथेन का कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो क्या करना है कि कुछ हमारे पास कुछ सल्फ्यूरिक एसिड का भी याद कर लो, सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है 98 होता है, सोडियम कार्बोनेट कितना होता है N2CO3 106 होता है, H2O3 इतना वो नहीं है, ये याद कर लें इसको आप एनाटॉमिक मास, इन मॉलिक्यूलर मासेस को, टाइम नहीं होता एप्टीट्यूड में इसको बैठ के कैलकुलेट करने का, याद कर लें कि इसका इतना ही होता है, जैसे मुझे कैसे याद है, पढ़ तो आपको भी कर करके याद हो जाएगा। निकाल भी सकते हैं इसको सर, निकाल भी सकते हैं इतना इतना इतना, लेकिन NAD में निकाल लोगे ना, MD कैट में तो थोड़ी ना बैठ के निकालने में टाइम वेस्ट करेंगे आप, कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, NAD वाले तो कर लेंगे, मेडिकल वाले नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको लिखना है, लिखें मर्जी है। द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटली, अच्छा नंबर ऑफ एटम्स जब आपसे पूछा जाए तो अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू NA, यही होता है अवोगाड्रो नंबर। मास इज 4.25 और अमोनिया हो गया 14 + 3 = 17 इनटू NA मतलब 6.02 इनटू 10^23। अब देखिए यहाँ 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 12, 4 × 3 = 18, 3 point something करके आएगा, है ना भाई, हाँ 2 point करके आएगा, मतलब 3 भी अगर हम इसको मान लें तो ये ऊपर 2 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, मेरी बात समझिए ज़रा, है ना, MD कैट में किस तरह से करते हैं। तो देखो सिंपल कैलकुलेशन आते, ये नहीं आता इसमें कि ऐसा आ गया कि भाई 9.999999 × 7.99881, अरे सर कैसे करेंगे पता है ट्री, अबे भाई नहीं आता ये क्या हो गया, सिंपल कैलकुलेशन देते हैं ये तो, क्योंकि कंप्यूटर थोड़ी ना हो तुम्हारे दिमाग के, तुम इसको सॉल्व करो सर, ट्रिक किस, अरे इसको छोड़ दो ये सब, ऐसे कभी देते ही नहीं है, पास पेपर उठा लो, ये इस तरह से देंगे विदाउट कैलकुलेटर। अब आप बोलोगे सर ये भी तो नहीं चाहिए कैलकुलेटर, भाई क्यों चाहिए, ऑप्शन है 4, कुछ को इग्नोर करना पड़ेगा, कुछ को रखना पड़ेगा बिना कैलकुलेटर के। अब देखो इसको 4 ही मान लो, इसको 17 मान लो, तो 4 × 1 = 4 और 4 के टेबल में 17 कब आएगा, 16 आ जाएगा, कब से 4 × 4 = 16 करके आ जाएगा, कुछ भी कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये 6 और ये 4 है, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 या 2 के नियरली कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है ना भाई, तो इसका मतलब 1 नहीं आ सकता, मेरी बात नियरली आएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स आपकी होगी अच्छी, मैं कह रहा हूँ आप इसको समझे देना मेरी बात को, कॉन्सेप्ट क्या देना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं आती मैथमेटिक्स, मुझे कुछ नहीं आता मैथ करना, मुझे पता है 2 करके आसपास कुछ आएगा इसको, ठीक है। तो अब इसका आंसर यहाँ देखें 1, 4, 6, 2, मतलब ये तो हो नहीं सकता, 4 तक तो इतना जमा तो नहीं आ सकता, इतना तो मैथ सभी को आता है, तो इतना ऊपर भी नहीं आ सकता, इतना कम भी नहीं हो कि 1 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ये 6 तो आ नहीं रहा कट कट आके, मतलब कुछ ना कुछ 2 या 2 के आसपास की वैल्यू है। हाँ हाँ 1.5 आगे 505, तो यहाँ पर इसने थोड़ा सा और कम करके रखा होगा, इसका मतलब है, मतलब एक ऐसा होगा जो उसके नियर 2 होगा, यहाँ तो चलो हम बीच में 1.5 में फंस गए, 1.5 तो ऐसे तो कोई भी नहीं आ रहा आंसर, मान लो कि इसको ये 0.5 है, अब सही है, तो अब ये 2 हो गया, ये भाई इस तरह से होगा, कोई इसमें परेशान नहीं होना है कि आपको कैलकुलेटर की नीड पड़ेगी इसके अंदर, डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, होल नंबर के थ्रू करो और आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू के सूरत में करो, भाई कैलकुलेटर नहीं है आपके, आप पॉइंट पॉइंट में सही ला सकते हैं, टाइम लगेगा उसमें, टाइम लगेगा तो बाकी सब्जेक्ट कौन करेगा, सिर्फ केमिस्ट्री मट के रहोगे, फिजिक्स कौन करेगा, बायो कौन करेगा, इंग्लिश कौन करेगा, लॉजिकल रीजनिंग कौन करेगा, ये सब भी तो करना है। तो बच्चे बोलते नहीं सर हम ला के रहेंगे सर, वो देखे डिवाइड कर रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, पता नहीं जापानीज मैथ रूल लगा रहे हैं तो चाइनीज मैथ रूल लगा रहे हैं, अरे भाई टाइम वेस्ट है, जापानीज रूल चाइनीज रूल लगा के
मैं मानता हूँ कि कुछ होते हैं ऐसे करके फेसबुक पे आता है शॉर्टकट ऐसे मल्टीपल, बट वो और टाइम सेकिंग होता है। हाँ उसको देखो जरा, द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, ऊपर वाला चले। देखो एनईडी के जो टेस्ट देने वाले हैं ना वो कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, वो बिला वजह चक्कर में ना पड़े, ठीक है। एनईडी वाले इस परेशानी में ना पड़े कि हम उसको देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एनए, मास आ गया 4.25, अभी सभी कर लो इस्तेमाल, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, 14 + 3 = 17, दिस इज 6.02 × 23, बस उसको अब सॉल्व कर लेना। अब इसको सॉल्व करने में मैं कह रहा हूँ कि मैं अप्रोक्सीमेट लगा कर इसको सॉल्व कर रहा था, तो 2 के करीब करीब आ रहा था, इसलिए मैंने उसको सॉल्व कर लिया। एग्जैक्टली 1.505 करके आ रहे बच्चे कह रहे थे, ओके ठीक है। तो द मास ऑफ, और ये कौन सा आपका एम डी कैट का इस साल का आया हुआ सवाल है, CBSE का कोर्स है इंडिया का भाई, तो इसको परेशान नहीं हो के हम कि सर यही आ जाए तो क्या करेंगे, कुछ भी आ सकता है, मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूँ, ठीक है। द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, और वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ होता है, इसलिए उसमें इस तरह के MCQs आ सकते हैं, ऐसा मसला नहीं। एम डी कैट के पास पेपर नहीं करा रहा मैं आपको ये। द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, पानी के एक मॉलिक्यूल का वजन कितना होगा, मतलब आपको क्या करना है, मास बताना है और ये सब चीज़ें गिवन होंगी। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एनए, ऐसे हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आ गया भाई, 1, एक मॉलिक्यूल का बताना है, और मास कितना है मॉलिक्यूलर मास वाटर का, 18, 6.02 × 23, ठीक है। क्या आंसर है इसका, -23 आ रहा है, हाँ बिल्कुल, तो ये हाँ गलत नहीं है, लेकिन पूरा बताओ, मतलब 3 कह लो। वैसे 3 ही आना था, देख लो यार, आप बोलोगे सर MD कैट में कैलकुलेटर नहीं है सर, अरे भाई 6.16 × 3 = 18, मैं इतना टाइम में नहीं पढ़ रहा अभी, मैं स्ट्रिक व्रिक पे नहीं जा रहा अभी, आप कैलकुलेटर को सॉल्व करें, पहले आप समझना सीखें कि न्यूमेरिकल बन कैसे रहा है। 3 × 10⁻²⁻³ आया, बिल्कुल सही, बट मसला यहाँ पर kg यूनिट्स में है, और ये किस में आते, ग्राम में आता है, तो -3 और डाल दो, है ना भाई, ये हो जाएगा -26 हो जाएगा, अभी आंसर करेक्ट हो गया, बस समझ में आ गए, यूनिट्स तो देखनी है, ये ग्राम में आता है, किलोग्राम में निकालना है, इस तरफ राइट साइड पर, ठीक है। तो किसी भी एवोकाडो नंबर का एक बेसिक फार्मूला है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एनए, यही है ना भाई। अब अगर मास निकालना है तो इसके लिए क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एनए, अब एक मॉलिक्यूल निकालना था तो 1 × 18 / 6.02 / 23, 6 × 16 = 18, ये आ गया 3 × 10⁻²⁻³, अब आंसर kg में है तो कन्वर्जन करने के 10⁻³ इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ, यही होता है ना kg में कन्वर्जन करने के लिए, ग्राम को kg में, -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 10⁻²⁻⁶, तो यही आया, बस समझ आया, कोई मुश्किल MCQ सके ये यार, इंटर में कर लेते हैं, इंटर के बच्चे फर्स्ट ईयर वाले कर लेते हैं, ईजी है, अभी मुश्किल आएगा आगे, अब ब्रेड स्पॉट करेंगे। 4.4 ग्राम ऑफ अननोन गैस ऑक्युपाइज इतना लीटर ऑफ वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, द गैस मे बी वॉट, भाई आइडेंटिटी ऑफ द गैस बतानी है, तो फॉर्मूला भाई वॉल्यूम एट SCP बराबर हो गया मास अपॉन मॉलिकुलर मास इंटू 22.41, मॉलिकुलर मास क्या हो गया, मॉलिकुलर मास बताना है ना, तो ये धड़ ले जाएंगे, ऐसे ही होगा, देख लो बहुत फास्ट करना है, मास कितना है 4.4, वॉल्यूम कितना को पाई कर रहा है 2.24, 22.41, ये समथिंग लाइक 2 में आ जाएगा, ये 44 में आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऐसा ही है, कोई कैलकुलेशन नहीं, ये ऑप्शन, समझ में आया सबको, ये ट्रिक नहीं लग रही है, ये मैथमेटिक्स है जो बचपन से पढ़ के आए हम, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 24 = 44, 22, समझ में आ रही है बात, कौन सी ट्रिक, जापानीज और चाइनीज थ्योरम लगाया मैंने इसके अंदर, सिंपल है यार, इतना तो आता ही है।
क्लियर है, जहाँ हो रहा है वहाँ मैं कर दूंगा, जहाँ नहीं हो रहा है कैलकुलेटर चला लेंगे। फिर हम ये सपोज करेंगे कि एमडी कैट में वैसा नहीं आता उस तरह से, ठीक है, बस इतनी सी बात नहीं आता ना। आप पास पेपर फिर हम करेंगे, जब पास पेपर मैं कराऊँ ना जिस दिन शुरू करो उस दिन आप मुझसे ये सवाल उठाना सर, फिर उसका कैलकुलेटर सब तोड़ के फेंक देना, फिर देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी पास पेपर नहीं हो रहा है अभी, फिर मैं दे रहा हूँ, अभी तो पास पेपर नहीं कर रहे ना, अभी तो हम समझ रहे चीज़ों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यार नंबर ऑफ मोल जिसमें सेम होंगे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होगा। मोल सेम चेक कर लो कहां पर है, 16 डिवाइड बाय 32.5 मोल हुए, ये मोल सेम तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होंगे। 14 डिवाइड बाय 28 यही आ गया लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है यही आ गया, आएगा ही नहीं। 8 ग्राम ऑफ 8/32.25 1:4 का रिलेशन है, 1:4 बता दिया था मैंने, है ना। 1/4 क्या होता है, 0.25 होता है, 0.5 डायरेक्ट बता रहा हूँ, 22/44 0.5 आएगा, मतलब ये नहीं होगा। 28 ग्राम ऑफ अमोनिया वो नाइट्रोजन, ये तो 0.5 हो गया, नहीं 1 हो गया ये, और ये 0.5 हो गया। मोल सेम नहीं तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम नहीं, एक हो गया ये पता नहीं कुछ भी हो गया, 28 एक से ज़्यादा हो गया ये, 1 आगे कुछ हो गया ये, समझ में आ गई बात। तो 1 करेक्ट है, क्लियर है। तो जो नंबर ऑफ मोल सेम आएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा हमें, है ना, तो बात तो वही होगा ना, सेम रेशियो आएगा। तो कभी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोला ना तो ट्रिक ये लगाओ कि मोल निकाल लो, सेम मोल सेम निकला तो मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली सेम आ रहा है, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई करोगे ना फिर तुम टेंशन में पड़ जाओगे कैलकुलेशन की कि सर अब कैलकुलेटर के बिना कैसे होगा, तो जरूरत ही नहीं है इसको करने की, ठीक है। पर्सन में आ गई, नेक्स्ट करें। अब मोलर सॉल्यूशन इज 1, ये तो मोलैरिटी से आ गया, देखें दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ आ सॉल्यूशन सॉल्यूट इन, बड़ा आसान। एक मोलर सॉल्यूशन कौन सा होता है, सी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 1 मोल 1 लीटर में डिजॉल्व होगा तो 1 मोलर सॉल्यूशन है, नॉट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होता है मोलैरिटी में, दिस इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 9 में पढ़ा होगा, 9 क्लास की बात, यस। तो मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी सिंपल, तभी तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल और डेसीमीटर क्यूब, दिस इज मोल दिस इज लीटर। ये आगे के चैप्टर्स के वैसे मसला नहीं है। द वॉल्यूम को पार्ट बाय 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP, 4.4 डिवाइड बाय 44 इंटू 22.41 2.24 करके बी करेक्ट, कोई कैलकुलेटर नहीं चाहिए, डायरेक्ट पसंद में आया सबको, क्लियर है। ये न्यूमेरिकल हो रहा है, अभी ऑर्गेनिक नहीं चल रहा है, ये ऑर्गेनिक खत्म, फिजिकल शुरू हो गया ये अभी, ठीक है। तो फिजिकल में कुछ आदमी भी पूछे, ये ज़्यादा आसान होते हैं ऑर्गेनिक से, वो सब पंचायतें नहीं है, नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं, बस कोई बॉन्ड जोड़ना कुछ नहीं कर रहा, डायरेक्ट बना रहा। कुछ बच्चों के लिए बहुत आसान होता है। चलो बच्चे ये देखो, 19.7 किलोग्राम ऑफ गोल्ड वॉज रिकवर्ड फ्रॉम अ स्मगलर, हाउ मेनी एटम्स ऑफ गोल्ड वर रिकवर्ड, डायरेक्ट बता रहा हूँ। क्या बात है, सही है सर, जरा समझे उसको। 19.7 किलोग्राम गोल्ड, इतना किलो सोना एक स्मगलर से कस्टम वालों ने पकड़ लिया, बाद में खा गए। तो यही करता है कि कुछ कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि हम शहरी तो कर रहे हैं नए पाकिस्तान में, लेकिन हम अफतारी करेंगे पुराने पाकिस्तान में। पता नहीं अभी क्या न्यूज़ मैंने देखी नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज का कहा था, आज फाइनल फैसला है, अदम एतमाद नो वोट, पता नहीं फारी से पहले तक है, देखते हैं क्या होता है। अगर लाइट चले जाए सारे सिग्नल बंद हो जाए इसका मतलब मार्शल लग गया, नहीं लगा तो मतलब सही हो गया सब कुछ। 19.7 किलोग्राम ऑफ गोल्ड वॉज रिकवर्ड फ्रॉम ए स्मगलर,
एक स्मगलर से 19.7 किलोग्राम गोल्ड को रिकवर किया गया। बताएं कितने एटम गोल्ड के रिकवर किया गया सर, मतलब किलो में नहीं पता, नंबर ऑफ एटम्स पता है तो बहुत सारे होंगे यकीनन। हाँ सही है, समझ लो, बाकी को समझने दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर हो गया मास अपॉन कैपिटल एम इनटू 6.02 पावर 23, सही है। मास 19.7 नहीं, ग्राम में रखना होता है। अब बोलो 197 कितने तीरो लगाते हैं, ठीक है। 19,000 किलो हो गया ना, ये 19,000 ग्राम हो गया। अब डिवाइड बाय 197 इंटू 6.02 10 की पावर 23, ये 100 आ गया। 100 इंटू 6.02 10 की पावर 23 और ये 10 का स्क्वायर हो गया। भाई मैं, मुझे नहीं आती मैथ्स इतनी अच्छी, तुम लोग देखो 23 और 2 25 हो गया। 6.02 इंटू 10 की पावर 25 कौन सा है भैया, समझ में आया सबको कैसे हुआ, सॉल्यूशन कैसे किया मैंने इसका। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, घर पे आके दोबारा देख लेना एक बार जब पेट भरा उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, तभी अभी बता दे रहा हूँ। सही है, तो मसला तुम कहाँ कर रहे थे, तुमने इसको किलो में डाल दिए, कितने का ब्लंडर मिस्टेक है ये। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये बताइए 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे। पहली बात तो ये देखना पड़ेगा कि एक कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रोटॉन होते हैं। देखिए जरा समझे, नंबर ऑफ पार्टिकल मास डिवाइड बाय एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास इनटू 6.02 पावर 23। अच्छा ये मैं आंसर नहीं निकाल रहा, मैं बता रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ बस कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। प्रोटॉन बाद में देखेंगे 2-3 मिनट के बाद। ये कितना हो गया बच्चों, नीचे क्या आ गया, नीचे 10 आ गया ना, तो एक कम कर देंगे पावर। भाई मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं, आप देखें, सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे कैल्शियम कार्बोनेट में, ये तो निकालना पड़ेगा, लके बंदो निकालना पड़ेगा। कैल्शियम में कितना प्रोटॉन होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका, 20 होता है 20। कार्बन में कितना होता है, 6 प्रोटॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 3 में 20, 26, 24, 50, 50। हाँ जी सिंपल है ना, इसको 50 है ना, ये 50 से करना है, 6.02 को मल्टीप्लाई 100 से करते थे तो सूरत में 1.204 होता था ना इसमें, तो अब इसको 50 से करना है। देखो 3.01 30 यस पॉइंट और 24 आ गया, यस सी ऑप्शन है ना। देखो सिंपल है, 6 5 30, 3 तो आना ही है ना, 3 तो और किसी में भी नहीं आ रहा, यही है, सिंपल सी बात है। ऐसे डायरेक्टली चेक कर लो कैलकुलेटर के बिना, कैलकुलेटर चला लोगे तो डायरेक्ट एक्जैक्टली आंसर आ जाएगा, समझ में आ गई बात, इजी है। तो मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन में फंसा दिया तुमको, यहाँ फंसा दिया तुमको ये काम करने में, वरना ये तो डायरेक्ट आ रहा था। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पूछा 10 ग्राम में, पूछा कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रोटॉन्स होंगे, समझ में आ गई बात। इलेक्ट्रॉन्स में पूछता तो ऐसे ही हो जाता, सेम ही होता ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होता है, न्यूट्रॉन पूछा तो फिर निकालना पड़ता सब अलग अलग करके। बात समझ में आ रही है बच्चों, ये तो आप इसमें बताएं ज़्यादा से ज़्यादा, इस पर आप इंटेलिजेंट हो, क्योंकि ऐसे मेरा काम नहीं आपका काम है ये पूरा। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन, या डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट आंसर है, क्योंकि 16 ग्राम एक मोल हुआ ना, तो एक मोल हो गया 6.02 पावर 23, बी डायरेक्ट आंसर, समझ में आया। तो मास वही है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास समान आ जाएगा, 16 ही तो होता है उसका मॉलिक्यूलर मास। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज, एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, बताएं इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो भाई सर समझो, इतने तो पार्टिकल हो जाएंगे एक मोल के अंदर, 6.02 10 की पावर 23
मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, लेकिन एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हाइड्रोजन के? दो होंगे, तो 6.02 के पास डबल हो जाएगा ना, ये 1.204 × 10^24। बताया था डबलिंग कहाँ है, कहाँ है? यही है, ये पीछे कर दोगे इसको तो ये 24 हो जाएगा खुद ब खुद। बात समझ आ रही है? द 12th पॉइंट, ये भी अच्छा, ये भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, बट इसको हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन कौन सी होती है? इसमें वन डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा होता है। तो ऐसा भी फंसा देते कभी कभार नॉन स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में, बच्चा टेंशन में आ रही है तो कोई आंसर नहीं आ रहा, तो आंसर यही वाला है, तो पीछे कर दो पॉइंट, समझ में आ जाएगा। पसंद में आ गई? इसमें मसला है अभी भी? चलो दोबारा समझाता हूँ इसको, कोई मसला है पूछे, ये मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, मेरी क्लास खत्म हो चुकी है पहले 1:15 तक, ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा खींच रहा हूँ। तो देखो H2 है, इसका एक मोल है, तो 1 मोल H2 के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? इतने होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये पता है, ये क्लियर है सबको। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक हाइड्रोजन का, दूसरा दूसरे हाइड्रोजन का, तो उस पूरे को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। समझ में आई सबको बात? क्लियर है यहाँ तक? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन व्हाट? सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसके अंदर होंगे? भाई मोल निकालो, मॉलिक्यूल गोली मारो, खुद ही समझ में आ जाएगा, जिससे मोल ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा। 34/18 तकरीबन 2, अप्रोक्सीमेटली 2, 36 होता है वैसे, 0.99 करके कुछ आ जाएगा। 28/44 <laughs> less than 2, पर ये तो हो गया नहीं, इसके मुकाबले में तो यही ज़्यादा हो गया, तो ऐसे ही काट दिया उसको मैंने, होगा तो ये आंसर होगा, वो भी नहीं होगा, 100% सी में आते हैं। 46 नहीं होगा, 12 + 3 + 16 + 1 कितना हुआ? 1 point something कुछ होगा, 2 तक नहीं जाएगा, फिर भी 64 पे 2 पे जाएगा, इसका मुकाबला फिर भी नहीं कर सकता ये। लॉजिक चेक करो, लॉजिक क्या लगा रहा हूँ मैं सर? आप तो एग्जैक्ट आंसर की ज़रूरत भी नहीं, हमें सही आंसर चाहिए, एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए। 54/N2O5 28 + 16 × 5 108 यार, ये तो 0.5 में पहुंचा हुआ, ये ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट वाला 0.9 समथिंग हो गई, एक मिनट, हाँ 1.9 समथिंग हो गई, क्योंकि 18 × 1 = 18, 18 × 2 था 36 होता, बहुत करीब करीब 0.9 करके कुछ आ रहा होगा इसका, ऐसे ही ना, बस में आया कैसे हुआ ये? तो कैलकुलेटर नहीं चलाए, कॉमन सेंस यूज करें अपना, बस और कुछ नहीं। NAD वाले एग्जैक्ट आंसर लें तो मसला नहीं, कैलकुलेटर तो हमने होगा तो एग्जैक्ट आंसर ले। 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेंस नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू दैट इन व्हाट? 2 ग्राम ऑक्सीजन में उतना ही एटम होगा जितना किसमें होता है, मोल निकाल लेते हैं। 2 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम के ऑक्सीजन, अच्छा नंबर ऑफ एटम इक्वल टू दैट इन, 16 से करेंगे 32 से करें, क्योंकि गैस नहीं लिखा हुआ ना, तो 16 से ही कर लेना चाहिए, 16 से कर लेते हैं। 1/8 कितना होता है? 0.12 आएगा ना, सही है, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 0.12 को, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है, इतना मोल। अब बाकी हम देखते हैं 0.12 मोल और किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, सॉरी 0.12 मोल, 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 0.5/ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है, कट गया ये, ठीक है।
4 डिवाइड बाय 32 कितना आ रहा है ये, 2 2 4 16, 2 1 अपॉन 8, यस बी परफेक्ट। ठीक है दोबारा से बताओ, ओके देख लें, दो ग्राम ऑक्सीजन जो है वो उसमें बताएं कितने आइटम होते हैं, मतलब 2 ग्राम ऑक्सीजन में जितने आइटम होते हैं उतने ही आइटम इनमें से भी किसी एक में होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम सेम करना है तो नंबर ऑफ मोल सेम कर लें, अगर मोल सेम होगा तो एटम सेम होगा, तो 2 ग्राम ऑक्सीजन में कितना हो गया 2 डिवाइड बाय 18, ये हो गया 2 1 2 बस 2 16 सॉरी 2 8 16 1 अपॉन 8 आया, बस इसको मैं यहीं पे छोड़ दें, यहीं पे छोड़ देते हैं तो कैसे आंसर आ रहा है। अब इसमें देखते हैं 0.5 डिवाइड बाय 1, ये तो रिफ्रैक्शन सेम नहीं आ रहा है इसमें, इसमें देखेंगे तो 4 डिवाइड बाय 32, तो 2 2 4 16 और 2 1 2 2 8 16 ये आ गया 1 अपॉन 8, तो ये फ्रैक्शन सेम आ रहा है, तो ये हो गया। और आगे बात, मोल सेम करें एटम्स मॉलिक्यूल खुद ब खुद सेम होंगे, यही आज का मेन बात जो मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रिक यही है सबसे बड़ी इसके अंदर, मोल सेम करें बस। हाउ मेनी एटम्स आर कंटेंड इन 1 मोल ऑफ सक्रोस, कितने एटम होंगे 1 मोल सक्रोस के अंदर, याद रखिए मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा एटम पूछ रहा है, तो पहले मॉलिक्यूल निकालें, मॉलिक्यूल तो कितने होंगे इतना ही होंगे 1 मोल में, मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई, कितने एटम एक मॉलिक्यूल में, 12 22 11 कितना हो रहा है, 45 ना 45 45 ही हो रहा है ना, एक प्लस कर लो, अच्छा बस इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, 45 64 20 नहीं 6 20 6 24 45, अच्छा नहीं हाँ सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई मेरे ख्याल में, भाई देख रहे तो डायरेक्ट ही इतना आसान कर दिया, मल्टीप्लाई भी नहीं किया उन्होंने, बोला यार ऐसे ही लिख दो, भाई मैं बोला यार कुछ भी नहीं आ रहा, ये तो सही है 45 into this ईजी। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ, यार ये तो खुद ही बता दोगे यार, एक ही मोल हुआ यही हो गया, 2 नहीं लगा हुआ, सही है आसान है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज अबाउट, देखो परसेंटेज कैसे मालूम करेंगे, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय, ऐसे आती है भाई परसेंटेज। यूरिया क्या होता है, यूरिया यही होता है NH2, फॉर्मूला खोल लेते हैं N2H4CO, यही है ना, एलिमेंट कितना है 28 है एलिमेंट का मास, ओवरऑल कंपाउंड कितना है 28 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 16 कितना हो रहा है ओवरऑल कंपाउंड 28 4 12 16 कितना हुआ, ये खुद ही कैलकुलेट करो यार, कितना आया 60 ओनली 60 60, कैलकुलेट करें उसको कितना आ रहा है बताएं, डायरेक्ट करें आप मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद, अरे पूरा कैलकुलेट करें, 46 कहाँ से आएगा, 46% आ रहा है ना, ये रहा ए ऑप्शन, तो ये फॉर्मूला देख ले भाई मास ऑफ परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ एलिमेंट तो 14 2 28 आ गया, मास ऑफ कंपाउंड ये पूरा निकाल दिया 60 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज पता लग जाएगा नाइट्रोजन का कितना है, एलिमेंट के मास से मुराद कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का जितना मास है, नाइट्रोजन का निकालना है ना परसेंटेज, पूरा N2 का मास लेना पड़ेगा, सिर्फ N का नहीं लेंगे, इसलिए 28 लिया, किसी के भी का भी निकाल सकते हैं इस तरह से आप, आता है ऐसा MCQ में परसेंटेज निकालने के लिए, ये फॉर्मूला लिख लें काम आएगा आगे, समझ में आ गया सबको ये MCQ कैसे आंसर निकाला,
परसेंटेज किसी का भी निकालने कह सकते हैं, 100 एग्जांपल कर सकते हैं इसमें आप, मतलब सल्फर का कितना है सल्फ्यूरिक एसिड में परसेंटेज, फलाना का कितना है फलाना कंपाउंड में, किसी का भी निकाल सकते हैं। अ कंपाउंड 80 ग्राम ऑन एनालिसिस गिव इतना कार्बन इतना हाइड्रोजन इतना ऑक्सीजन, इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला इज व्हाट, चैप्टर वन फर्स्ट ईयर सिंध बोर्ड, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, मेथड फॉलो करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे परसेंटेज, छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, परसेंटेज पहले निकालेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन की परसेंटेज पहले निकाल लेते हैं, तो 24 मास है ये इतना, और 80 से डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकालने सबके, ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेशन करना सबसे पहले, 4 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये हो गया 32 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, डेट कैलकुलेटर चला लो अभी, टाइम नहीं रहा था, बताओ उसमें कितना आ रहा है, 30%, ये कितना परसेंट आ रहा है, और हाइड्रोजन 5%, ऑक्सीजन कितना परसेंट आ रहा है, 40%। परसेंटेज निकालने के बाद निकालते हैं मोल रेशो, 100 नहीं हो रहा, 24 4 ऑक्सीजन 32 30 प्लस 75 हो रहा है, सवाल के अंदर कोई इशू है इसका मतलब है, लेकिन करते हैं सॉल्व करते हैं क्या पता आ जाए आंसर, 100 नहीं हो रहा वैसे तो, शायद कोई और एलिमेंट होगा जो इसमें नहीं दिखा रहे, हम आगे बढ़ते हैं, हम प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, मोल रेशो, मोल रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, तो परसेंटेज है 30, कार्बन का निकालते हैं पहले मोल रेशो, 30 डिवाइड बाय 12, अच्छा फिर हाइड्रोजन का कितना निकलेगा, 5 डिवाइडेड बाय 1, और ऑक्सीजन का कितना निकलेगा, 40 डिवाइडेड बाय 16, निकालो इसको कार्बन का 2.5, इसका निकालो 2.5, मोल रेशो निकला बच्चों, इसके बाद निकलेगा सिंपलेस्ट मोल रेशो, ये मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है वरना टाइम नहीं लगता, सिंपलेस्ट मोल रेशो में क्या करना है, मोल रेशो डिवाइड बाय लीस्ट मोल रेशो, मोल रेशो डिवाइड बाय लीस्ट मोल रेशो, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो कार्बन 2.5 डिवाइड सबसे कम वाले से, 2.5 से ये होगा 5 डिवाइड बाय 2.5, 2.5 डिवाइड बाय 2.5 ये 1 निकला, ये 2 निकला, CH2O निकला, क्या ऑप्शन है, डी ऑप्शन, समझ में आया सबको, सबसे पहले परसेंटेज फिर मोल रेशो फिर सिंपलेस्ट मोल रेशो, एम्पिरिकल फॉर्मूला सामने आपके, ठीक है लिखना है लिख लें, मेथड हो गया पूरा ये।